अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं अब्दुल अजीज़, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। किशनबाग मोहम्मदाबाद 9 नंबर इलाके में GHMC की लापरवाही, जिससे आवाम में काफ़ी परेशानी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद किशनबाग मोहम्मदाबाद 9 नंबर सेटविन के पीछे वाली गली में कई दिनों से GHMC वालों ने इलाके का कचरा नहीं उठाया और ड्रेनेज का गंदा पानी लगातार बह रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके में मच्छर भर गए हैं और कई मासूम बच्चे डेंगू का शिकार हो चुके हैं। बस्ती वालों ने इस गंदगी के बारे में GHMC को इतला दी और मुकामी कॉरपोरेटर को भी इस बात की शिकायत की, लेकिन इन दोनों ने भी बात को नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज हुकूमत तेलंगाना से अपील करता है कि गरीब आवाम की तकलीफों को समझे और GHMC के गैर जिम्मेदार ओहदेदारों को ताकीद करें कि वो अपनी जिम्मेदारी को फर्ज समझकर निभाएं। मोहम्मद अतीक के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मिल्ला भी है। हम 9 नंबर पे रहते मोहम्मदाबाद में शेटिन ऑफिस के पास। ये गली में इतना कचरा और इतनी मुहरिया महरे, कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। यहाँ पर बच्चों को डेंगू हो रहा है, हैजे पैखाने हो जा रहे, बच्चे पूरा नालियों में खेल रहे, उठ रहे, नमाजों को इतनी तकलीफ हो रही। आदमियाँ जा रहे सुबह में फजर में, कोई यहाँ पर इंटरेस्ट कर रहे नहीं, कोई देख रहे नहीं, कोई लीडर ही नहीं है बस्ती को। ऐसा होगा, हम लोग शुरू से मैम को वोट डालते हुए आ रहे, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग कैसा रहना, कैसा करना, कोई भी आना जाना आ दे रहा, कोई बीमार रहता, कुछ भी रहता, कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े मच्छर, एक तो तालाब में वो बेल फैल गई है उससे अलग, फिर ये कचरे से, पूरा गंदगी से कैसा रहना। यहाँ पर कोई भी आ रहा, कोई गली नहीं है ऐसी जो हमारे पास है, हिंदू के बस्ती में तक नहीं है ऐसा। आपके लोकल कॉर्पोरेटर को, एरिया कॉर्पोरेटर को कंप्लेंट नहीं करे? कंप्लेंट करे, कितने बार करे, पाशा खादरी को तक लेके आए, चार औखत यहाँ पर पूरे मोहरियाँ बताए, नालियाँ बताए, सब बताए, कुछ भी नहीं करे, गुलपसी तक करे उनके यहाँ पर ठहरा करके, लेकिन कोई तवज्जो देने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर कितने बार बोलो बोले तो भी बोलते, हम लोग कोई लीडर भी आ रहे खाली देख रहे चले जा रहे, बस कोई कुछ करने वाले नहीं है। कैसा रहना, कोई भी बाप कुछ भी तकलीफ है, ज़ईफ बुढ़े है, बच्चे हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, कितने वक्त जाएंगे, कितने वक्त बोलेंगे, बोलने के बाद भी तवज्जो दे रहे नहीं, कोई मोहरियों की लाइन बना रहे ना, आ रहे हम आ रहे करते करते बोल रहे, देख रहे चले जा रहे। अब क्या करना है इसके आगे, कितने वक्त बोलना। अब हम लोग यहाँ घर के, मेरा नाम सोगरा भी है, यहाँ 9 नंबर सेटविन के पास पूरा कचरा, और मस्जिद के सामने मस्जिद का भी लाज रख रहे हैं ना, कहीं का भी लाज रख रहे हैं, यहाँ कचरा इतना डाल दे रहे हैं, और बल्दी वाले भी आके उठाते आधा छोड़ देते, मोहरियाँ साफ करते नहीं, मोहरियाँ के डेनिजम भर गए, सब भर गए, ना MLA आ रहे हैं ना को सो ये आ रहे हैं, वोटांगू बोले तो पहले भाग को आते, ऐसा हो तो आते नहीं, कोई कुछ को देखता नहीं, बीमारा पड़ रहे हैं, हाँ घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, घर के सामने ऐसा रहा तो कैसा होना बोलो। हाँ ये सब को कितना बोल को थक जा रहे हैं हम लोग, कोई करने को नहीं है, राजी नहीं है, यहाँ कोई आँखों देखने को राजी नहीं है, हम दुनिया के बातें कर को भी थक गए, और मस्जिद का तो भी लाज रखो बोल को बोले, वो तक लाज रखने को नहीं है। इतना अल्लाह का डर भी नहीं है ना, कहीं का डर नहीं है, मस्जिद के तो हमने भी उसको भी लग जाको, बल्दे वाले भी लाखों हज कचरा डालते रहते, झाड़ू मारते हैं, अलाग डालते थे, हम लोग जला रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बोल को, वो लोग डाल को चले जाते। हाँ जो कितना बोले तो भी समझते नहीं, क्या नहीं, हम कितना बोल को समझाना बोलो, हम लोग आपकी तकलीफ, बीमार हम पड़ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। कारपोरेटर को नहीं बोले आप ऐसा घर के सामने कचरा फेंक रहे हैं सब लोग साफ कराने के लिए? हाँ फोन आ कर को बोले, हम लोग सब भी बोले ऐसा कचरा डाल रहे उठा ले बोल को बोले तो भी आते थोड़ा बहुत उठाए सरकार करते, आधा फेंक देते हैं कुप्पा यहाँ, आधा रख दे को इसी चले गए, उधर से कोने से उठा लेते हैं। क्या चाह रहे अभी आप लोग? क्या नहीं, ये मोहरियाँ साफ हो जाना, ये गली साफ हो जाना, यहाँ कचरा नहीं डालने लगाना इतना चाहे हमारे को, ये घर के सामने गंदगी बहुत हो जा रही और बीमार हम पड़ रहे, फायदा क्या है, ऐसा रहो को बच्चों को बीमार डालना, छोटे छोटे मासूमा बच्चों को ये करना, खाना खाने बैठे तो मतली होती रहती, उल्टी होती रहती बदबू से, ये सब कैसा करना बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाज है, यहाँ पे सेटविन 9 नंबर पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे 2 साल से पूरा कचरा है भैया, पूरे मोहरियाँ भरे हुए, साफ नहीं कर रहे कौन भी,
उन भी लीडर हमें बोले तो अब आतूँ जब आतूँ बोल रहे, कचरे वाले को बोले तो, मैनला वाले को बोले तो मैनला वाला भी क्या बोल रहा, मैं साफ करने का मेरा काम है, उठाने का मेरा काम नहीं है बोल रहा। कभी भी देखे तो यहाँ पे पानी बहते रहता, आखिर ये करना क्या फिर इसका काम। कॉपरेटर को कितने भी बार कंप्लेंट करे तो उन्होंने भी क्या बोल रहा, देखेंगे भाई करेंगे करेंगे बोल रहे, आ रहे आते बोल रहे, आ रहे नहीं कुछ। क्या नाम है आपके कॉरपोरेटर का? नवाज भाई। अभी तक कौन भी आते बोल रहे आ रहे नहीं, काम ऐसी चाहिए। कभी भी देखे तो भयते रहता है यहाँ पे, कुछ दावत होने देते नहीं। छोटे बच्चे खेलते रहते पानी में, जैसे खेलते रहते उन लोग, मच्छर काटा तो मच्छर पूरा ददोड़ा आ जा रहा, मच्छर तो इतने हो गए यहाँ पे गली में कचरा रहने की वजह से। और नमाज को लोग जाते रहते, गाड़ियाँ तो आते जाते रहते, छींटे उछले तो पूरा औजू तुड़ जाता नमाज के वजह से, नमाज भी कबूल नहीं होती। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।